जैसे कि हम योहन्ना 10:10 में देखते हैं कि शैतान आता है मारने, चोरी करने और नाश करने, घात करने, लेकिन यीशुआ आया है हमें जीवन देने और बहुतायक जीवन देने के लिए। आज के जो 2021 जब से कोविड जो परि ये जो बीमारी आई है, तो बहुत से लोगों ने इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, प्रभु के लोग, बहुत से लोगों ने लॉस को देखा अपने जीवन में। और कोई किसने किसने बहुत से लोगों ने अपने जीवन को खोया है। लाइक यू नो, देयर इज अ लॉस ऑफ लाइफ इन द फैमिली, ट्रिबुलेशन है, पैसे का प्रॉब्लम है, घटी है, और बहुत से मीन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी और डिफरेंट जो एरियाज में ये घटी हुई है। आज का जो मेरा मैसेज है और वो है तसल्ली। जो यहोवा अपने वचनों के द्वारा हमें तसल्ली देता है, ताकि हमारे हमें देता है पहला तसल्ली, और फिर हमारे द्वारा दूसरे को तसल्ली देता है। तो जैसे हम वचनों में आज जाएंगे, तो हम देखेंगे कि 2 कुरिन्थियन में पॉल इस वचनों के द्वारा क्या कह रहा है, और इस वचनों के द्वारा क्या हम सीख सकते हैं, किस तरह से यहोवा हमसे इस वचनों के द्वारा बातें कर सकता है। तो मैं आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम 2 कुरिन्थियन, और एक चैप्टर 2 से मैं 7 पढ़ूंगी। और पहला मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, फिर हिंदी में। ग्रेस टू यू एंड शलोम फ्रॉम गॉड आवर फादर एंड द लॉर्ड यहोशुआ द मसाया। प्रेज बी टू गॉड फादर ऑफ आर लॉर्ड यहोशुआ द मसाया, कंपैशनेट फादर, गॉड ऑफ ऑल एनकरेजमेंट एंड कंफर्ट, हु एनकरेजेस अस इन ऑल आवर ट्रायल्स, सो दैट वी कैन एनकरेज अदर्स इन वॉट एवर ट्रायल्स दे मे बी अंडरगोइंग विद द एनकरेजमेंट वी आर सेल्व हैव रिसीव्ड फ्रॉम गॉड। फॉर जस्ट एज द मसाया सफरिंग ओवरफ्लो इन अस, सो थ्रू द मसाया आर एनकरेजमेंट ऑल्सो ओवरफ्लोज। So if we undergo trials, it is for your encouragement and deliverance. And if we are encouraged, that should encourage you when you have to endure suffering like those we are experiencing. Moreover, our hope for you remains staunch because we know that as you share in the suffering, you will also share in the encouragement. So main Hindi mein padhungi ek bar, fir mera jo message main share karungi. दूसरा कुरिन्थियन में कहता है कि हमारा पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उसे शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम क्लेश पाते हैं, तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं, तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। तो ये जो सेकेंड और थर्ड वर्स में हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे बातें लिखी है जहाँ पे यहोवा का जो चरित्र है या कैरेक्टर के बारे में हम देखते हैं कि यहोवा कौन है। तो जैसे कि 2 में लिखा है कि ही इज अ गॉड ऑफ ग्रेस। वो अनुग्रह का परमेश्वर है, वो शांति का परमेश्वर है, ही इज अ कंपैशनेट फादर, दया करने वाला पिता है। He is a God of all encouragement.
यानी वो उत्साहित करता है, हमें उत्तेजना देता है, एंड ही इज अ गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट। और वो चौथी बात है कि फिफ्थ पार्ट है कि वो कंफर्ट, वो हमें तसल्ली देता है, वो हमें सहानुभूति देता है। तो यहाँ पे इन इन वचनों से हम देखते हैं कि यहोवा जो है खुद इसका जो यहाँ पे जो कैरेक्टर जो एक्सप्रेस किया है, जो कैरेक्टर यहोवा के बारे में लिखा हुआ है, इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से यहोवा का जो कैरेक्टर है वो क्या क्या हमारे जीवन में, जब हम आगे आगे जैसे हम देखेंगे कि जब हम कष्ट में जैसे हम आगे जाएंगे तो देखते हैं कि जब कष्ट में, क्लेश में, दुख में, मौत में, संकट में, परेशानी में, और सोरो, ग्रीफ, व्हाट एवर यू कॉल, जो भी लॉसेस हमारे जीवन में होती है, दे कैन बी लॉस ऑफ लाइफ, दे कैन बी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, दे कैन बी जो लॉस मीन्स हमसे छीना जाता है, ये सब बातें जो भी है वहाँ पे यहोवा जो है किस तरह से वो हमें अनुग्रह देता है। ओके हमारे जो वो यहोवा का, जब हम कहते हैं कि वो अनुग्रह का यहोवा है, तो हमारे संकट में वो हमें अनुग्रह देता है ताकि हम क्लेश से, हम उससे बाहर आने के लिए, या उस क्लेश के द्वारा हम छुटकारा, क्लेश के द्वारा हम कुछ सीखने के लिए, हमारे इज अ गॉड ऑफ पीस, क्योंकि वो हमारे क्लेश में या तकलीफ में, दुख में, जो भी परिस्थिति है, वो हमें शांति देता है जो समझ के बाहर है। एक्चुअली जब मैंने सिस्टर ग्रेस की जो वो दिन गवाही सुनी कि किस तरह से यहोवा ने उसे तैयार किया, जब यहोवा उसके पति को महिमा में बुलाने वाला था, और उसके पहले ही उसने उसको यू नो एक कंफर्टेड हर, उसने पहले उसको वो गाना दिया ताकि वो गाने के द्वारा वो उसे मिनिस्टर करे, उसे सहानुभूति दे, उसे कंफर्ट देने के लिए, और आगे जिस तरह जो परिस्थिति उसके जीवन में आ रही थी उससे वो शांति देके और बहुत से उसके जीवन में कार्य किया। तो उस तरह से मैं आज मीन्स बताना चाहती हूँ कि किस तरह से यहोवा हमारे जीवन में, जब कष्ट और क्लेश में, वो हमें शांति देता है हमारे ट्रायल्स में। देन ही इज अ गॉड ऑफ कंपैशनेट फादर, वो हमारे जानता है कि हम जब क्लेश दुख में जाते हैं तो वो हमारे ऊपर दया करता है, वो हमारे जीवन के ऊपर तरस खाता है, वो हमें समझता है, वो ये बड़ी बात है। कभी कभी लोग शायद हमें समझने के लिए नहीं समझते, हम किस तरह से उस परिस्थिति में जाते हैं, लेकिन यहोवा अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि वो दया दिखाने वाला कंपैशनेट फादर है। एंड ही और गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट इज, वो हमें सहानुभूति देता है। ओके ही कंफर्ट्स अस, हमने जो लॉस महसूस किया, जो हमने यादें यादों से जो हमको गुजरना पड़ता है, तकलीफ होती है, कंफ्यूज होते हैं हम समझ नहीं पाते हैं उस समय में क्या करना है, सो दैट इज द टाइम यहोवा हमें कंफर्ट देता है, हमें तसल्ली सॉरी एनकरेज करता है, हमें उत्साहित करता है, हमें आशा देता है, हमें उठाता है, हमें हमें शैतान को मीन्स पूरी तरह से हमारे ऊपर हावी होने वो नहीं देता है। एंड ही इज अ गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट, वो हमें तसल्ली देता है कि ताकि वो परिस्थिति से हम जाके वो परिस्थिति से हम स्ट्रोंग बने, उस परिस्थिति से जाके हम शैतान के जो पर्पसेस है हमारे जीवन में उसको हम डिफीट करें। ओके तो ये बातों को मीन्स ये बस ये करना चाहती थी। और सेकेंड, हम जब जैसे तीन वचन में जाएंगे तो वहां पे लिखा है कि प्रेज बी टू गॉड, या कि चौथा वचन, चौथा, हु एनकरेजेस अस इन ऑल आर ट्रायल्स सो दैट वी कैन एनकरेज अदर्स इन वॉट एवर ट्रायल्स दे मे बी अंडरगोइंग। यानी वचन चार में वो क्या करता है, हमें उत्साहित करता है उसके वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, या लोग
हमें आके उत्साहित करते हैं, हमारे वच हमारे मीन्स हमको एनकरेज करते हैं कि आगे जाने के लिए, स्टक होने के लिए नहीं, हमें प्रोग्रेस करने के लिए, इस परिस्थिति से बाहर आने के लिए। तो और वचन हमें अगवा करता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ ये करता है। हम एक वचनों को देखेंगे और ये जो है कि किस तरह से दाविद ने अपने आप को प्रभु में होते हुए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि प्रभु हमें उत्साहित करता है, तो प्रभु किस तरह से प्रभु ने दाविद को उत्साहित किया। हम एक आप मत देखो, मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे 1 सैमुअल चैप्टर 30 और वचन 6 में ऐसा लिखा हुआ है कि और दाविद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण करके या बांधा। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि किस तरह से, जैसे कि वचन में लिखा हुआ है दैट आ गॉड एनकरेजेस अस और ही कंफर्ट्स अस इन आर ट्रायल्स। तो ये यहाँ पे मैं आगे पढ़ा, मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू गो अहेड क्या वो ये सब स्थिति, लेकिन इतना ही था कि डेविड बुरी तरह से फंस गया था और लोग इतने शौकित हो गए। आगे वचन में लिखता है कि के पूरी रात, पूरा रात वो लोग है ना जोर जोर से रो के, और इतना है कि उनको ताकत नहीं था रोने के लिए। तो उनका जो रिएक्शन है और डेविड का रिएक्शन किस तरह से है, हम यहाँ पे देखेंगे। और जब हम प्रभु के पास नहीं जाते हैं तसल्ली लेने, या प्रभु हमें उत्साहित नहीं करता वचनों के द्वारा, तो वी कैन रिएक्ट लाइक दिस पीपल हु रिएक्टेड। वो उसे पथराव करना चाहते थे, मारना चाहते थे, लेकिन वचन कहता है कि दाविद ने क्या किया, बट डेविड स्ट्रेंथेंड हिमसेल्फ इन अदोनाई इज गॉड। और वचन 8 में लिखा है डेविड कंसल्टेड अदोनाई। ओके, तो उसने इन बातों को किया कि वो प्रभु के पास गया और प्रभु से पूछा कि मैं किस तरह से इससे बाहर आऊं, मैं क्या करूं, मीन्स है ना, मैं डूब जा रहा हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है, लोग मुझे मारने वाले हैं। तो यहोवा ने उसे उत्साहित किया। तो यही यहाँ पे है कि किस तरह से यहोवा हमें हमारे दुख में, क्लेश में, वो हमें तसल्ली देता है, वो हमें एनकरेज करता है, वो हमें उठाता है। और वचन 4 में, हम 1 कुरिन्थियन में वापस से जाएंगे और वहां पे लिखा है सो दैट वी कैन एनकरेज अदर्स। तो फर्स्ट है कि गॉड इज अ गॉड ऑफ एनकरेजमेंट, ही इज अ गॉड ऑफ पीस, बट हमारे जो ट्रायल्स में वो हमें एनकरेज करता है, वो हमें मीन उत्तेजना देता है आगे बढ़ने के लिए, वो हमें मदद करता है ताकि हम स्टक नहीं होने के लिए, आमीन। और वो क्या आगे क्या करता है, जब हम एनकरेज होते, जब प्रभु हमसे बातें करता है, जब हम स्ट्रांग होते हैं, तो हम दूसरे को मजबूती कर सकते हैं, दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं, दूसरे को एनकरेज करते हैं। तो आर लाइव वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, और वी शुड बी कनेक्टेड टू गॉड विद यहोवा, सो ताकि वो हमें तसल्ली दे, वो हमें सहायता करे हमें हर एक ट्रायल्स में। सो दैट बिकम्स लाइक योर अपना एक अनुभव, अपना एक एक्सपीरियंस है। तो वो दिन जब मैंने सिस्टर ग्रेस का जो गवाही सुनी, तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि मैं फोन करने वाली थी उसको, बातचीत करने वाली थी, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो मेरे लिए काफी था कि ऐसे भी परिस्थिति में किस तरह से उसने अपनी गवाही से सिस्टर कूपर को एनकरेज किया, उसके फैमिली को, दूसरे जो लोग हैं ऐसे तकलीफ में जाते हैं जहाँ पे वो उत्तेजना पाते हैं, वो एनकरेजमेंट पाते हैं, क्योंकि ऐसा ही है परमेश्वर का वचन यहोवा कि इज अ गॉड ऑफ ऑल कम्फर्ट, या इस वचन हमें तसल्ली देता है, वो हमें सहायता करता है, आमीन। और वचन 5 में खुद है ना पौलुस अपनी गवाही दे रहा है यहाँ पे। ओके, और पौलुस क्या कह रहा है 5 वचन में कि
जैसे कि मसाया यशुआ ने उसके क्लेश से या दुख से जो सफरिंग यू नो जस्ट मसाया सफरिंग ओवरफ्लो इनटू अस, यानी जो भी क्लेश या दुख हम सहते हैं उसमें से कुछ तो भी यहोवा हमारे जीवन में ये करता है, लेकिन उसी तरह से वो कहता है कि इवन एनकरेजमेंट विल फ्लो इन अस एंड थ्रू अस। सो और एक वचन को मैं लास्ट वचन को मैं पढ़ने वाली हूँ, और ये जो है जेनेसिस 25 और 25 26 या वचन 26 एंड लास्ट वचन जो दिया हुआ है 34। 1 सेकंड, आई एम सॉरी, जेनेसिस 24, नॉट 25, जेनेसिस 24। एंड इट सेज दैट देन इत्साक ब्रॉट इनटू हिज मदर्स सेराज या brought her into his mother Sarah's tent and took Rivka and she became his wife and he loved her. Then was Isaac comforted for the loss of his mother. और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि जब इसहाक की माँ मर गई तो वो बहुत दुखी हुआ, उसको वो लॉस महसूस हुआ, रिलेशनशिप ही लॉस दैट रिलेशनशिप विच उसके माँ के साथ उसको था। और लेकिन वचन क्या कहता है कि यहोवा ने रेबेका को उसके जीवन में लाया और इस और उसकी वो पत्नी बन गई, उसने उससे प्रेम किया। और वचन कहता है कि इत्साक दैट वाज थस वाज इत्साक कंफर्टेड फॉर द लॉस ऑफ हिज मदर, जो उसके अंदर जो कमीपन था, उसके अंदर जो उसने जो एक्सपीरियंस वो कर रहा था, यू नो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं ऐसे लॉसेस में, कोई भी लॉस होने दो तो वो कमीपन जब हम करते हैं तो या प्रभु उसको भर देता है या कभी कभी मोस्टली और यहोवा भी है ना मनुष्य को यूज करता है कि वो लॉस को हमारे जीवन में भरने के लिए। ओके, तो गॉड इज अ गॉड ऑफ बैलेंस, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहोवा ही करेगा लेकिन वो मनुष्य के थ्रू ही। वाई वी आर इन टू रिलेशनशिप, रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहोवा इन रिलेशनशिप के द्वारा भी हमारे जीवन में मीन्स एनकरेज करता है हमें आगे, है ना, हमें बहुत से जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो हमें वो मदद करता है। सो फ्रॉम दिस यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से यहोवा ने खुद उत्साहित किया, यहोवा ने लोगों को भेजा हमारे जीवन में। जब कोई हमारे परिवार में ऐसा कुछ होता है तो पीपल कम टू एनकरेज अस, they encourage us, but the best encouragement and the best comfort of course can come from God through his word but also from people. okay, so yeah, so yahan pe hai, lekin yahan pe hai na, aur ek last vachan ko main padh ke khatam karungi ki kis tarah se khud paul kehta hai, yeah, paul is saying in this, एक मिनट, आई एम सॉरी आई लॉस्ट माय, या सो पॉल खुद कहता है कि वचन 6 में दैट इफ वी अंडरगो ट्रायल इट इज फॉर योर एनकरेजमेंट एंड डिलीवरेंस। सी पॉल आल्सो वेंट थ्रू, पौलुस जो है वो बहुत उसके जीवन में चुनौती थी, उसके जीवन में क्लेश था, वो जेल और सफरिंग स्ट्रगलिंग उसके जहाँ जिसमें भी इतना ज्यादा दूसरे डिसाइपल्स के जीवन में इतना हमको इतना नहीं लिखा है उतना हम पॉल के जीवन में देखते हैं। बट व्हाट ही सेइंग दैट अगर मसाया का जो सफरिंग ओवरफ्लो हो रहा है तो उसका एनकरेजमेंट भी हमारे जीवन में ओवरफ्लो हो जाएगा, दैट मीन्स दैट सफरिंग ऑल्सो विल ब्रिंग मोर एनकरेजमेंट, सफरिंग विल ऑल्सो ब्रिंग मोर होप या आशा हमारे जीवन में लाएगा। एंड देन वर्स ही सेज इफ वी अंडरगो ट्रायल्स इट इज फॉर योर एनकरेजमेंट एंड डिलीवरेंस। सिर्फ हमको एनकरेजमेंट नहीं मिलता है लेकिन बहुत से लॉसेस से भी हमको दुख से या उन बातों से हमको डिलीवरेंस भी मिलता है, या सो
वो हमें हर एक बातों में इसका छुटकारा करता है. जैसे कि मैं इन इन वेरी शॉर्ट आई डोंट वांट टू गिव माय टेस्टिमनी बट मैं शॉर्ट में कहती हूँ, जब लियोन ऑफ हो गया, मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि किस तरह से मुझे अकेला रहना पड़ा, लेकिन उन बातों से जो कमीपन महसूस, आई वॉज मिस गोइंग थ्रू दैट डिफिकल्ट टाइम, बट गॉड नेवर लेफ्ट मी. उसने मुझे कभी महसूस करने नहीं दिया कि मैं अकेली हूँ. मुझे ऐसा कभी महसूस होने नहीं दिया कि दुख से भी गुजरते हुए उसने मुझे उत्साहित किया, उसने मुझे मदद किया, उसने मुझे बाहर आने के लिए ये किया, यू नो, ही ब्रॉट मी आउट, ही वर्कड इन मी एंड ही मेड मी स्ट्रॉन्ग. सो गॉड गॉड हैज अ पर्पस इन आर सफरिंग, इन ट्रायल्स, वॉट एवर वी गो थ्रू. बट डेफिनेटली हर एक लॉस में ही गॉड इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन. आमीन. He will take his place in our lives because he says that he is a father to the fatherless and he is a defender of the widows. Yeah, so that is one thing, that he takes a place of a father in your life. He also takes a place of a husband in your life, but also he takes a place of comfort in you. Yeah, he comforts you, he gives you joy. So I just want to conclude कि यहोवा जो है हमारे हर एक परिस्थिति में वो हमारे साथ है और वो हमें कभी नाश होने नहीं देगा. नो प्रॉब्लम्स, नो ट्रबल इन आर लाइफ कैन डिस्ट्रॉय अस. सैटन विल नॉट टेक एनी एडवांटेज ओवर अस, बट ही विल ऑलवेज गिव अस विक्ट्री इन एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ. आमेन. एंड आमेन.